नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टडी सेंटर फॉर यू पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योतिराव फूले पर 10 लाइन आसान शब्दों में। तो आइए शुरू करते हैं। पहली लाइन है, ज्योतिराव फूले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। दूसरी लाइन है, इनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंद राव फूले था। तीसरी लाइन है, इन्हें महात्मा फूले एवं ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। चौथी लाइन है, ज्योतिबा राव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। पांचवी लाइन है, इनकी माता का नाम चिमनाबाई और पिता का नाम गोविंद राव था। छठी लाइन है, इन्होंने प्रारंभ में मराठी भाषा में शिक्षा प्राप्त की, परंतु बाद में जाति भेदभाव के कारण बीच में ही इनकी पढ़ाई छूट गई। सातवीं लाइन है, इनका विवाह 1840 में सावित्री बाई से हुआ, जो बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाज सेवी बनी। आठवीं लाइन है, उन्होंने महिलाओं व दलितों के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए और 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। नौवीं लाइन है, वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। दसवीं और आखिरी लाइन है, उन्होंने देश से छुआछूत खत्म करने और समाज को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए हर साल 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।